हेलो फ्रेंड्स, राधा किचन तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक पैन। पैन में डाल दिया है एक चम्मच ऑयल। बड़ा चम्मच ऑयल डाला है मैंने। इसे गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने 4 से 5 कली लहसुन की काट कर डाल दी है। ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़ी प्याज ली है मैंने। ऐसे रफली कट कर कर डाल देंगे। इसे हल्का फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन, सुनहरा गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 3 से 4 टमाटर मैंने ऐसे रफली कट कर लिए हैं। टमाटर हमें बिल्कुल लाल और अच्छे गूदे वाले टमाटर लेने हैं। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं नमक। आधी छोटी चम्मच नमक का डाला है मैंने। और इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 1 साबुत लाल मिर्च को टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसे डाल रही हूँ। और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए चेक करते हैं। टमाटर काफ़ी मैसे लग रहे हैं, अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ओरिगेनो। यहाँ मैंने ओरिगेनो डाल दिया है क्योंकि हम पिज्ज़ा सॉस बना रहे हैं, इसके लिए ओरिगेनो डालना ज़रूरी है। अब डालूंगी मैं 2 बड़ी चम्मच टमाटो केचप। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। टमाटो केचप डालने से बहुत अच्छा स्वाद भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच चीनी और इसे भी एक बार अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। बस 1 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। 1 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है। गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप एक बार बनाकर रख लीजिए पिज्ज़ा सॉस और 1 वीक के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 वीक में आप जितनी भी बार पिज्ज़ा बनाएंगे आप इसे यूज कर सकते हैं। ये तैयारी आप पहले ही कर कर रख लें और फटाफट पिज्ज़ा बना लें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है और ये तैयार है पिज्ज़ा सॉस। तो आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।